हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में, मौजूदा समय में बढ़ते हुए बेरोजगारी के कारण युवाओं का रुझान व्यवसाय की ओर आजकल बढ़ा है। व्यवसाय के क्षेत्र में उनका जाना पूर्व निर्धारित संभवतः नहीं ही रहा होगा, लेकिन रोजगार के अवसरों में जो कमी आई है, इसके कारण उनका रुझान व्यवसाय की ओर गया है। ऐसे में जो नए व्यवसायी हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने उसकी तैयारी नहीं कर रखी थी कि उनको व्यवसाय करना है, लेकिन बेरोजगारी ने उनको व्यवसाय की ओर धकेला है। तो ऐसे में उनको कुछ खास बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि व्यवसाय में वो सफल हो पाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ग्राहकों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है उनको, कि ग्राहक उनके होकर रह जाएं। और दूसरी बात कि सामग्री जो विक्रय के लिए लाते हैं, जो ग्राहकों को देते हैं, वो जहाँ से भी क्रय कर रहे हैं वहाँ के जो विक्रेता हैं, उनसे जो बड़े व्यवसायी हैं, उनका जो स्वभाव है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। यदि उनका स्वभाव वसूलों से भरा है, वो एक नियम के तहत ही अपना विक्रय करते हैं, सभी छोटे व्यवसायियों के साथ उनका समान व्यवहार है, किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण है छोटे व्यवसायियों के साथ, तो ऐसे व्यवसायी से आप सामग्री ले सकते हैं जिनका एक अपना वसूल है। वो बिल्कुल वसूल के पक्के यदि हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा शुभ होंगी, बनिस्बत वैसे व्यवसायी के कि जिनका सिर्फ एक ही धर्म है, अपने वस्तुओं को बेच लेना, मुनाफा कमाना, और वसूल उनके कहीं टिकते नहीं, उसमें फेर बदल होते रहते हैं। तो ये आप अपने वस्तुओं के क्रय के समय ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि जो व्यवसायी हैं बड़े वाले, उनका व्यवहार छोटे व्यवसायियों के साथ कैसा है। यदि उनका व्यवहार छोटे व्यवसायियों के साथ सौहार्दपूर्ण, भाईचारा से भरा है, वो छोटे व्यवसायियों के दर्द को समझते हैं, उनके साथ वो सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ उनका सोच ये होता है कि जो सामग्री वो दे रहे हैं उसके वजह से उनके व्यवसाय में वृद्धि हो, तो ऐसे स्वभाव वाले बड़े व्यवसायियों के यहाँ से आप अपने सामग्री का क्रय करें तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगली बात है कि जो व्यवसायी बिल्कुल ही आप जिनसे सामान खरीदते हैं, वो व्यवसायी आप पर निगाह रखते हैं कि इनका व्यवसाय कैसे चल रहा है, तो ऐसे में जब तब आपका वो हालचाल पूछते रहें, और यदि किसी प्रकार कि कहीं पर लगे कि यहाँ पर इनसे चूक हो रही है, भूल हो रही है, तो उसके संबंध में वो अपने अनुभव के आधार पर आपको थोड़े बहुत टिप्स भी दे पाए, थोड़े बहुत मार्गदर्शन भी आपका कर पाए। तो ऐसे अवसर जहाँ आपको मिलते हों, वो व्यवसायी आपके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद होंगे। तो कुछ ना कुछ ध्यान रखना होगा आपको अपने व्यवसाय में कि कहाँ क्या कुछ फेर बदल किया जाए, कहाँ कुछ कौन सा टेक्निक अपनाया जाए कि आपका व्यवसाय दिनों दिन लाभ में जाए। तो वस्तु और ग्राहक दो चीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। वस्तु बिल्कुल ही सही होने चाहिए जो ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सफल हों, और ग्राहक के साथ आपका व्यवहार एकदम प्रेम भरा, सहयोगात्मक होना चाहिए ताकि वो आप पर भरोसा कर पाएँ और आपके बनकर रह जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्राहक जिससे जुड़ जाते हैं उनको तब तक वो नहीं छोड़ते जब तक उनसे उनको धोखा ना मिल जाए। तो ग्राहक बनाएं, प्रेम आदर सम्मान देकर, और कभी भी ऐसा उनके साथ ना होने दें जिससे उनको लगे कि वो धोखा खा गए, तो आपके वो अस्थाई ग्राहक बने रहेंगे और दिनों दिन आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाएगी जो टिकाऊ होंगे और आपके लाभ भी बढ़ेंगे।
और आप व्यवसाय में दिनों दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो इन बातों पर रखें नए व्यवसायी ध्यान। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई बात के साथ।